कहा था पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो एसपी प्रवक्ता ने कहा कि परिवार में मरने वालों में प्राण प्रतिष्ठा कर दो, हमेशा जीवित रहेंगे। तो प्राण प्रतिष्ठा करने से पत्थर सजीव हो जाता है, तो मुर्दा क्यों नहीं चल सकता? ये सब ढोंग है, पाखंड है। तो एसपी प्रवक्ता ने कहा परिवार में मरने वालों में प्राण प्रतिष्ठा कर दो, हमेशा जीवित रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा करने से पत्थर सजीव हो जाता है, तो मुर्दा क्यों नहीं चल सकता है? ऐसा स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है। तो समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के फिर से बिगड़े बोल। स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल खड़े किए लगातार, अपने विवादित बयान के लिए जाने जाते हैं स्वामी प्रसाद। अभी कल टीवी डिबेट में मैंने देखा सुना, एक कोई संत जी थे, कह रहे थे कि पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विघटन डिबेट में भागी, उन्होंने कहा संत जी तो अच्छा है, अपने परिवार में मरने वाले लोगों की जो लाशें होती हैं उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा कर दो, हमेशा जिंदा रहा करेंगे, कभी मरने ही नहीं, अमर हो जाएंगे। तो अगर प्राण प्रतिष्ठा करने से पत्थर सजीव हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा करने से तो मुर्दा क्यों नहीं चल सकता है? ये सोच है। यहां पर पाखंड है, भोग है, आडंबर है, और वैसे भी जो भगवान है, जो सत्ता कल्याण करता है, हम इंसान की क्या है क्या कि उसको हम प्राप्त चर्चा करें? इसका मतलब है हम भगवान के अस्तित्व को भी नकार रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा करने वाले लोग अपने को भगवान से बड़ा साबित करने में लगे हुए हैं कि प्राण प्रतिष्ठा करने वाला वो भगवान से बड़ा है, क्योंकि भगवान के अंदर जीवन वो दे रहा है। तो बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष शुक्ला जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर प्राण प्रतिष्ठा करने से पत्थर सजीव हो जाता है तो मुर्दा क्यों नहीं चल सकता, ये सब पाखंड और ढोंग है। देखिए, लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म, हिंदू धर्म और आस्था पर स्वामी प्रसाद मौर्य दरअसल वही बोलते हैं जो अखिलेश यादव को लिंक कर देते हैं, और एक घमंडिया गठबंधन में आपस में सिर्फ फुटबॉल मचा हुआ है कि सेक्युलरिज्म का चैंपियन कौन है, और इस नाते से इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि हिंदू सहिष्णु होम का है और स्वामी प्रसाद मौर्य अगर अन्य धर्म के प्रति इसी तरह की भाषा का प्रयोग करते तो उनके लिए जो फतवे जारी होते और जो कार्रवाई होती तो ध्यान में आता कि सनातन धर्म का जो उदार प्रवृत्ति है उसका नाजायज लाभ ले रहे हैं। लेकिन मनीष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी पार्टी की सरकार में भी अगर कार्रवाई नहीं होती ऐसे लोगों पर तो फिर सवाल खड़े होते हैं। लगातार इस तरीके के बयान सामने देते हैं स्वामी प्रसाद, उसके बावजूद भी आपकी पार्टी कार्रवाई नहीं कर रही है। देखिए, पार्टी तो कार्रवाई करती नहीं, करती तो सरकार है। बिल्कुल, आपकी पार्टी की सरकार है, मेरा आशय वही है। तो देखिए, कानून को इस बात की छूट है, पुलिस को इस बात की छूट है कि अगर कोई कानून को हाथ मिले उस पर कार्रवाई करे, लेकिन जो सैद्धांतिक पक्ष है, जिस तरीके से एक होड़ है ओवैसी में, अखिलेश यादव में और कांग्रेस में कि तुष्टिकरण की राजनीति का चैंपियन कौन बनेगा, सेक्युलरिज्म का चैंपियन कौन बनेगा, उसी नाते से अगले जयपुर के इशारे पे स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह की बात है।
लेकिन लगातार लोग सवाल खड़े करते हैं, लोग अपेक्षा रखते हैं, आशा रखते हैं कि रामराज्य की आप बात करते हैं, रामराज्य की सरकार होने की बात करते हैं, लेकिन राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करना, उनके प्राण प्रतिष्ठा पर इस तरीके के प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए ना? नहीं, देखिए लगातार इस तरह की डिबेट समाज में बनी रहती है, नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियां सती से भी थी, त्रेता युग में भी थी, राम थे, रावण था, कृष्ण थे, कंस था, तो ये लोग उसी प्रवृत्ति के लोग हैं, उसी सोच के लोग हैं, मुगलिया और बाबरी सोच के लोग हैं। और जवाब जनता देगी। देखिए कल प्रभु राम का अवतरण हुआ, दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, तमाम रोड़े टकाए गए। आजादी के बाद कांग्रेस और उसके समान रूप से समान विचारधारा के जो दल थे उन लोगों ने भी रोड़े अटकाए, लेकिन ठीक है, जो सत्य है जीत अंततः सत्य की होती है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद अब लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, लगातार अपने विवादित बयान के लिए जाने जाते हैं स्वामी प्रसाद। ये भी डिबेट में देखा सुना संत जी से, कहती पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे डिबेट में भागी, उन्होंने कहा संत जी तो अच्छा है, अपने परिवार में मरने वाले लोगों की जो लाशें होती हैं उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा कर दो, हमेशा जिंदा रहा करेंगे, कभी मरने